अच्छा भाई थोड़ा सा बोलेंगे थोड़ा सा और एक लंबी 6 महीने के बाद हम निकले हैं, क्या कुछ कहना? देखिए लगभग 6 महीने के बाद आज वो पहली बार कहीं यात्रा पर निकले हैं और अच्छी बात है कि बाबा बद्री केदार के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हमारी सभी की ईश्वर से कामना भी है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और वापसी करें भारतीय क्रिकेट टीम में। और आज अचानक से कार्यक्रम बना क्योंकि कोई पहले से प्लान नहीं था, पर कल रात ही तय हुआ कि भाई कल दर्शन करने चलते हैं, तो अभी हम उसी के प्रस्थान के लिए आए हैं। भाई थोड़ा सा बोलेंगे थोड़ा सा आज ऋषभ पंत देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पहुंचे, वहां से केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन के लिए रवाना हुए। उनके साथ उमेश कुमार जो कि खानपुर के विधायक हैं मौजूद थे। कई समय से ऋषभ पंत के फैंस उम्मीद लगा रहे थे कि ऋषभ पंत जल्द ही भारत के लिए खेलेंगे, हालांकि वर्ल्ड कप में उनका चयन नहीं हो सका। फिलहाल हेल्थ रिकवरी पर है ऋषभ पंत और अपने करियर को लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। एक दिन का उनका कार्यक्रम है और उमेश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये प्लान उनका अचानक बना है और उनके स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना कर रहे हैं और जल्दी भारतीय टीम में वापसी करेंगे। पिछले कई दिनों से ऋषभ पंत सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थे जिसमें कि उनकी कई स्टोरीज और कई पोस्ट जो है वो फैंस को खुश कर रहे थे, जिसमें देखा जा सकता है कि उनको क्रिकेट भी खेलते हुए देखा गया और उम्मीद लगाई जा रही थी कि ऋषभ पंत जल्द ही भारतीय टीम में शामिल होंगे। फिलहाल फैंस को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा और जल्द ही ऋषभ पंत क्रिकेट पिच पर चौके छक्के लगाते हुए दिखाई देंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।